हेलो जी सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट में मिल पा रहे। आज तो चलते हैं आज एक न्यू रेसिपी की तरफ, जिसमें जो है मैंने आज बनाया है छिलके वाली काले माश की दाल। इसमें जो है हम एक चम्मच ऑयल ले लेंगे। उसके बाद हमने जो है एक मीडियम साइज का प्याज इसमें ऐड कर देना है। उसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है। मैंने इसमें जो है दो टमाटर ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके पानी को सूखने देना है। जब इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए, फिर आपने एक चम्मच इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना है। इस तरीके से एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है एक चम्मच। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, जब इसका टमाटो प्यूरी का पानी बिल्कुल से मसाले का पानी खुश्क हो जाए, देन हमने इसमें अपने और स्पाइसेस ऐड करने। जैसे कि एक चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, 1.5 चम्मच आपने जो इसमें दड़ा मिर्च ऐड करनी है, 1 चम्मच गरम मसाला, इसी तरीके से 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच जो है आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। देन आपने 1 चम्मच इसमें जो है चाइनीज़ नमक ऐड करना है फॉर इन्हेंसिंग द टेस्ट। ये जो है सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करता है और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो है कच्चे ना रहें और इसमें जो है कच्चेपन की जायका ना आए। आपने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। देखेंगे जिस तरीके से मैं बिल्कुल भून रही हूँ, जब आप इस मसाले को भूनेंगे आपको किस तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा मसाला भून गया और इसमें कच्ची स्मेल नहीं आएगी। आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके मसाले पे जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से जैसे कि मेरे मसाले पर ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। देन फिर मैंने जो है इसमें अपनी दाल को ऐड कर लिया। ये दाल जो है मैंने 25 मिनट के लिए जो है इसको सोख करके रख दिया था। उसके बाद हमने जो है फिर इसको मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया, इसको मैंने बॉईल नहीं किया। मैंने कहा कि ये सालन के अंदर मतलब जैसे मसाले में ही बॉईल हो जाएगी और इससे जो है इसका जो अपना टेस्ट होगा वो वेस्ट भी नहीं होगा, नहीं तो मैं अगर पानी में बॉईल करती तो मुझे वो पानी फेंकना पड़ता, तो इसलिए मैंने जो है इसको मसाले में ऐड किया। देन मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करके और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पर जो मैंने पकने के लिए रख दिया, और बिल्कुल लाइट पर अगर आप रखेंगे तो इससे ये है कि आपकी दाल को टाइम तो लगेगा बनने में, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी। आपने यहाँ पे इसको जो है ढक के रख देना। देना आपने इसका ढक्कन हटाना, देखेंगे कि मेरी दाल जो है स्टेज पे आके बहुत हद तक पक गई है, मतलब कि 85% जो है मेरी दाल पक चुकी है। यहाँ पर जो है मेरी दाल बिल्कुल पक चुकी थी, फिर अगेन मैंने जो है इसको ढक के रखा और मैंने जो है 20 मिनट बाद इसको दोबारा देखा तो फिर ये मेरी दाल जो है बिल्कुल पक चुकी थी। यहाँ जो है स्टेज पर मैंने इस पर अदरक का जो है सॉरी अदरक नहीं लहसुन का जो है तड़का लगाया। खैर मेरे पास जो है 1 जवाई पड़ा हुआ था तो मैंने वही ऐड कर लिया, और आप लोग जो है इसको इसमें 2-3 जवाई जो है लहसुन के ऐड करें, ठीक है। और इससे जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने तो सारे लहसुन उठा के जो है उसका पेस्ट बना लिया और बाद में याद आ रहा है कि यार मुझे तो तड़के के लिए चाहिए होगा, खैर मैं और ले आऊँगी। लेकिन ये जो है आपने इसको लहसुन का जो है तड़का देना है और उसके बाद इसको ढक देना है, थोड़ी देर ढक के रखना है, इसके अंदर खुशबू जो है वो फैल जाएगी। ये है मेरे दाल की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को आगे जितना कितना हो सके अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी थैंक यू।